नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता, इसकी एक बड़ी मिसाल मैं आज आपको दिखाऊंगा। जी हाँ, जेपी सीमेंट ने यहाँ पर 400 लोगों के लिए रहने, खाने, सोने का इंतज़ाम करके एक अनुपम मिसाल पेश की है। पूरा देश, प्रदेश, शहर कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में उन मरीजों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी जिनको कोरोना का कम प्रकोप था, जिनको कोरोना के कम लक्षण थे, लेकिन उनके लिए उनके घर में आइसोलेट होने की व्यवस्था नहीं थी। इसी के चलते जेपी सीमेंट ने 400 बिस्तरों का एक आइसोलेशन सेंटर बनाया, अपने आप में 400 लोगों के रहने, खाने, सोने के साथ उनके मनोरंजन का भी यहाँ पर पूरी तरीके से इंतज़ाम किया गया, पूरा ख्याल रखा गया है। इसको लेकर आज रीवा के पूर्व मंत्री, स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कलेक्टर रीवा के साथ उस इलाके का भ्रमण किया, वहाँ की व्यवस्थाएँ देखी। कहा जा सकता है रीवा कलेक्टर टी इलैया राजा की रीवा के लिए एक अनुपम सौगात भी इसको कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी। जिस तरीके से कलेक्टर रीवा ने अपने प्रयास से उस अस्पताल का कायाकल्प कर दिया जहां लोग जाने के लिए कतराते थे, रीवा छोड़ के बाहर की ओर रुक कर रहे थे, इस समय उसी अस्पताल में एडमिशन के लिए लगातार सिफारिश कर रहे हैं। फिलहाल इसकी बात और कभी, आज आपको सीधे ले चलता हूँ जेपी सीमेंट और दिखाता हूँ वहाँ पर किस तरीके से आइसोलेशन का इंतज़ाम किया, साथ ही वहाँ पर 50 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन के इंतज़ाम की भी व्यवस्था की जा रही है। उसको लेकर ऑक्सीजन प्लांट का भी वहाँ पर निर्माण कार्य चालू हो गया, जो 2-3 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। ये जेपी परिसर में कोविड केयर सेंटर लगभग बन के तैयार हो गया है, और ऐसे पेशेंट जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा। यहाँ की व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों को भरोसा हो रहा है। मैं विशेष तौर से जेपी संस्थान के आदरणीय जयप्रकाश गौड़ जी को और मनोज गौड़ जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ मिलके और इस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था बनाई है, जहाँ पर जो कोविड के पेशेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे तो उन्हें एक अच्छा माहौल मिलेगा, उनको नियमित ठीक प्रकार से दवाई मिले। इसके लिए नागरिक मंच को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिला प्रशासन के साथ तालमेल बना के और अपनी पूरी टीम को यहाँ पर लगा दिया है, और नागरिक मंच ने समय समय पे रीवा में इस प्रकार की जो सेवा के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जेपी ग्रुप का है और यहाँ पर भोजन से लेके और तमाम तरह की व्यवस्थाएं बहुत ही बेहतर रखी गई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरजेंसी में यदि ऑक्सीजन बेड की ज़रूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन का जो इनका टैंक है वो भी इन्होंने दिया हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन उसमें डाल के हम पाइपलाइन से 50 बेड में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये जो कोविड केयर सेंटर है अपने आप में एक बहुत ही मददगार साबित होगा कोरोना के जंग से की लड़ाई में। मैं यहाँ के विधायक जी केपी त्रिपाठी जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने भी जेपी ग्रुप के साथ बातचीत करके जिला प्रशासन के साथ और यहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा कोविड सेंटर यहाँ पर तैयार करने में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से संजय गांधी अस्पताल, जिला अस्पताल और हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के वहाँ डॉक्टर्स लगातार कोविड से संक्रमित मरीजों की सेवा कर रहे हैं, जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको यहाँ पर लाकर हम उनको उनके उपचार करने में काफ़ी उनको इस बीमारी से निजात दिलाने में मदद कर पाएंगे। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचने का यही एकमात्र इलाज है। अभी तक हमने ये करके दिखाया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।